हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की ये वीडियो होगी जो आपको कई नंबर देकर जाएगी डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम के लिए। आप तैयारी कर रहे हो घर पर बैठकर डी ट्रिपल एस बी की, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर डी ट्रिपल एस बी वैकेंसीज जो आई है उनकी तैयारी घर पर बैठकर करने वालों के लिए जबरदस्त पेडागोजी का ये पूरा का पूरा कोर्स है। ये कोर्स आप लोगों का आज से नहीं चल रहा, इससे पहले 25 चैप्टर हो चुके हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगी। ये 26वां चैप्टर है और आज का ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। एक बार पूरी वीडियो आपने देखी तो आप लोग कभी भी इस टॉपिक को भूल नहीं पाएंगे और आप वेट करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आए, जो कि आना लगभग तय है। तो क्यों ना आप लोगों के एक दो नंबर पक्के कर दिए जाए डाल्टन विधि के थ्रू। आज की जो हम चैप्टर के अंदर देखेंगे, डाल्टन विधि आखिरकार है क्या, डाल्टन विधि के कई बेसिक फंडामेंटल आपको समझने जरूरी हैं, तो वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। काफी डीप वीडियो होंगी ये पूरी। डाल्टन विधि किन दो सिद्धांतों यानी किन दो प्रिंसिपल्स के ऊपर, किन दो पिलर के ऊपर बेस्ड है वो बताऊंगा। और ये जो डाल्टन विधि होती है इसके अंदर टीचर का कार्य क्या होता है, यानी कि शिक्षक जो होता है उसका रोल क्या होता है और बच्चे का रोल क्या है, और फिर मैं बताऊंगा कि डाल्टन योजना के अंदर कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, यानी कि डाल्टन योजना के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करती है, ठीक है, डाल्टन योजना के सिद्धांत। अब मेनली तो इसके दो सिद्धांत हैं, लेकिन 8 इसके सब सिद्धांत यानी कि किन सिद्धांतों का ये पालन करती है, और यहां से क्वेश्चंस की बाढ़ आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, पूरी वीडियो को देखना है, लाइक जरूर करना है और नीचे कमेंट भी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। डाल्टन विधि का दूसरा नाम है ठेका विधि। क्या? ठेका विधि। और इसकी फाउंडर है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ये लड़की है, हेलन पार्कहर्स्ट लिख देते हैं तो कई लड़कों को लड़का लगता है, इसलिए मैंने यहां पर मिस लिखा है, और अनमेरिड है थी मतलब, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, 1913 से 1915 के बीच में इन्होंने एक पढ़ाने की नई शिक्षा नीति ईजाद की, यानी कि पढ़ाने का ट्रेडिशनल जो तरीका होता है, ट्रेडिशनल तरीके से कुछ अलग हटके एक पढ़ाने का तरीका इन्होंने खोज निकाला। वैसे तो इनके माइंड में बहुत टाइम पहले से ही था ये तरीका, लेकिन इन्होंने दुनिया के सामने लाया 1913 से 15 में, स्टार्ट कर दिया अमेरिका के अंदर। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ कि पहला वर्ल्ड वार छिड़ गया, उसके बाद कहीं जाकर वर्ल्ड वार के शांत होने के बाद 1920 के बाद जो है ये काफी फेमस हुआ यूएस में। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए ये शिक्षा योजना थी। अगर कैटेगरी देखी जाए तो 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए ही डाल्टन योजना यूज की जाती है। ये की पॉइंट आप जो है, ये होते हैं एग्जाम बेस्ड चीजें जो आपको समझनी चाहिए, डीप भी होती हैं। ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ने से सीटेट हो जाता है, टेट एग्जाम हो जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। तो आप कंटेंट वही देखें जो डीप हो, जो एग्जाम बेस्ड हो। तो यहां तक चीजें समझ में आई कि 1915 के करीब में ये इंट्रोड्यूस हुआ, पहला वर्ल्ड वार हुआ, पहले वर्ल्ड वार के बाद 1920 में फुल फ्लेश्ड तरीके से यूएस में चालू हो गया 8 से 12 साल के बच्चों के लिए। ये आखिरकार था क्या? अब देखिए इसके अंदर दो मुख्य सिद्धांत है। ये था क्या, इन दो पॉइंट के थ्रू आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। इन दो पिलर के ऊपर खड़ा है ये पूरी योजना। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो फिक्स्ड टाइम होता है और जो पूरा का पूरा टाइम टेबल स्कूल में फॉलो किया जाता है, उस बंधन को नष्ट करके बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा देना, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके में क्या होता है, बच्चों को तैयार करके आप स्कूल में भेजते हैं, उनके 8 पीरियड लगते हैं और 8 पीरियड फिक्स होते हैं, बच्चा उन 8 पीरियड को लेकर ही जो है घर पर जा सकता है, कॉलेज वाला सीन नहीं होता। यहां पर क्या हुआ, कॉलेज में भी फिक्स होता है टाइम टेबल, तो डाल्टन योजना में ना तो डेली क्लास लगेगी, ना तो क्लास फिक्स होगी और ना ही कोई भी टाइम टेबल फिक्स किया जाएगा डेली का। इससे बच्चों को लिबर्टी मिलती है सीखने की, ठीक है, इससे बच्चों को जो कष्ट होता था, जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो लोचशीलता की कमी थी, वो अब लोचशील हो गया ये सिस्टम इसका। तो इस डाल्टन योजना के अंदर पहला चीज तो ये था कि कोई भी फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होगा कि बच्चे को इसी टाइम पर बैठकर ये टॉपिक पढ़ना है। और कई ऐसे टॉपिक भी पढ़ने पड़ते थे पहले कि ट्रेडिशनल में आप देखते हो कि आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में, आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी,
जो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो कोई फोर्स नहीं होगा इस एजुकेशन सिस्टम में। बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे उस विषय को जितनी देर चाहे उसे अध्ययन करने देता है ये। यानी कि इसके अंदर जब पढ़ाया जाएगा या जब डाल्टन विधि का यूज होगा तो उस सब्जेक्ट को दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट में बच्चे को रुचि हो। यहाँ पर फिर होता क्या है, यहाँ पर एक बच्चे को एक महीने का, दो महीने का असाइनमेंट दे दिया जाता है इकट्ठा। जैसे कि आपके पास एक बच्चा आया, आप उसको देखकर उसकी सारी जांच पड़ताल करके उसको एक महीने का काम डेली दे देते हैं। इससे बच्चा डेली ना तो स्कूल में जाएगा, अब किस तरीके से टीचर वो डेली काम देगा, किन किन बच्चों के लिए ज़रूरी होगा, जो पिछड़े बच्चे हैं जो डेली स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप पूछेंगे कि ये आई क्यों, अब देखो उस टाइम पर क्या था, वर्ल्ड वार था, और वहाँ पर क्या बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पर इतनी एजुकेशन सिस्टम भी अच्छी नहीं थी कि डेली स्कूल में जाया जाए, रिस्की भी था, तो ये इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। समझ रहे हो, समय की डिमांड थी। अब देखो डाल्टन विधि को इस तरीके से कहीं पढ़ाया आपने, खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन खुद सोच के देखना, ये तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो वीडियोस को नहीं पहुँचाता, और आप लोग हैं जो वीडियोस को ज़्यादा शेयर नहीं करते, वरना अगर सच बोला जाए तो हमारा चैनल बहुत आगे जाना चाहिए जिस हिसाब से हम क्वालिटी देते हैं। क्वालिटी का मतलब ये नहीं महंगे महंगे स्मार्ट बोर्ड, क्वालिटी का मतलब कंटेंट। तो यहाँ पर क्या था कि समय की डिमांड हो गई थी, तो वो जो आजकल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, कई ऐसे बच्चे जो डेली नहीं जा सकते स्कूल के अंदर, जो पिछड़े हुए हैं, तो काफ़ी बच्चों के लिए यूज होती थी। इसमें जो टीचर थे उनका रोल क्या था, देखिए टीचर अध्यापक अपनी प्रयोगशाला में जाकर पूरे वर्ष भर का मासिक कार्य योजना तैयार कर दें। यानी कि कोई बच्चा आपके पास आया डाल्टन विधि से, आपको एक साल पढ़ाना है उसे, तो आप उसके लिए एक साल का 12 असाइनमेंट दे देंगे। उन 12 असाइनमेंट में आप लोग अपने विषय को काफ़ी अच्छे से, जितने भी विषय हैं उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अध्यापक का पहला रोल क्या है कि हर एक बच्चे के लिए पूरे एक साल का मासिक यानी कि मंथली जो असाइनमेंट तैयार करे कि 12 महीने में 12 असाइनमेंट, एक एक महीने का एक, तो कैसे देने हैं। दूसरा है कोई स्टूडेंट कोई सवाल पूछे तो उसे उचित परामर्श दे, क्योंकि डेली तो बच्चा आ नहीं सकता। अब देखो डेली अगर जाना हो तो डेली अपना डाउट भी क्लियर कर सकता है, तो इसकी एक लिमिटेशन ही है कि डेली डाउट क्लियर नहीं होते, ठीक है। स्टूडेंट कोई सवाल अगर मान लो पूछे और जब आप उसके सामने हैं तो आप उचित परामर्श दें कि आप बेटा ये जो आप असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये परामर्श का मतलब होता है कंसल्ट करें बच्चे को, आप बच्चे को कंडीशन करें कि बच्चे को बताओ कि ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया आप कैसे कैसे करोगे, बच्चे को आउटलाइन भी दोगे आप कि ऐसे ऐसे आप घर पर रहकर अपनी तैयारी से ये पूरे असाइनमेंट करोगे। और ये भी देखना होता है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि मान लो एक महीने का असाइनमेंट दे दिया, क्लास में 30 बच्चे हैं, तो नकल मारते हैं बच्चे, वो खुद कुछ नहीं करते, दूसरे का असाइनमेंट लेकर वैसे ही उसको टेपने लग जाते हैं। आपने देखा होगा 95% स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जो 5% बच्चे क्रिएटिव होते हैं, अपना अलग असाइनमेंट बनाते हैं, उनको कॉपी करके ही दे देते हैं। तो यहाँ पर टीचर का रोल दूसरा क्या है कि एक तो बच्चों को कंसल्ट करें कि कैसे बनाना है, ठीक है, जब आप उनको ये बता दें तो आप नकल नहीं करने देंगे उन्हें, और ये भी देखें कि छात्र दूसरे की नकल तो नहीं कर रहा है और समय वेस्ट तो नहीं कर रहा है। यानी कि एक तो नकल कर रहा हो और दूसरा कोई बना ही नहीं रहा हो कि ना तो नकल करूंगा ना खुद बनाऊंगा, बाहर में गया कोई, तो ये भी चीज़ आपको देखना है। तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि इसमें डेली बच्चा तो जा नहीं सकता टीचर के पास। अब जब आप पूरे साल की 12 असाइनमेंट बनाएंगे मंथली, तो मंथली जब प्लान बनाओगे तो जितने भी टीचर हैं स्कूल में, मान लो एक बच्चे को 4 टीचर पढ़ाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आप चारों बैठकर ये डिस्कस कर ले कि एक बच्चे को हम जो ये 12 असाइनमेंट दे सकते हैं एक साल में कैसे कैसे मिक्स आउट करके दें। तो मासिक योजना बनाते समय अलग अलग विषयों के अध्यापक आपस में मिलकर इस प्रकार कार्य को डिवाइड करें बच्चे के लिए असाइनमेंट में कि एक ही तरीके के कार्य का दोहराव ना हो। समझ रहे हो मेरी बात, जैसे कि साइंस वाले ने क्लाइमेट के बारे में दे दिया कुछ, वहीं सोशल साइंस वाले ने भी क्लाइमेट के बारे में दे दिया, तो एक ही असाइनमेंट दो सब्जेक्ट का हो गया, तो यूजफुल नहीं रहा। तो यहाँ पर जितने भी टीचर होंगे वो बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि बच्चे को ये जो पूरे साल के अंदर ये जो मंथली जो असाइनमेंट दिए जाते हैं ये रिपीटेटिव ना हो, तो मिलकर कार्य करेंगे। अब इसके मुख्य सिद्धांत क्या है, मुख्य सिद्धांत थे दो, अब इसके और कई सिद्धांत हैं जिनके ऊपर ये योजना खड़ी हुई होती है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा,
यानी कि इसके अंदर बाल केंद्रित शिक्षा का गुण आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर खड़ी है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? यानी कि बच्चे को पूरी स्वतंत्रता देने वाले बाल केंद्रित शिक्षा, इसके अंदर जो भी चीज होगी बच्चे को केंद्र बिंदु में रख के होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को कौन से असाइनमेंट देने हैं, जिस विषय के अंदर बच्चे की रुचि हो, ठीक है, उसको कोई भी टाइम फ्रेम आप नहीं देते, खुद सीखने का मौका देते हो लर्निंग बाय डूइंग से। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद असाइनमेंट बनाता है, खुद अपने दम से आगे बढ़ता है। स्व शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन, इसके अंदर आपने देखा है कि बच्चा यहाँ पर खुद अपना लर्निंग करता है, खुद अधिगम करता है, घर पर रहकर अपना जो मासिक योजना उसको दी जाती है उसको पूर्ण करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम या लिबर्टी, स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी कि बच्चे को सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, किस पेस से सीखना है, अपने आप बच्चा स्वतंत्रता से सीखता है। सामाजिक संबंधों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिलेशंस, यानी कि बच्चों को जब एक महीने का जो दिया जाता है टाइम, उसमें बच्चे समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिलेशन। व्यक्तिगत कार्य, इंडिविजुअल वर्क, यानी कि बच्चे को व्यक्तिगत कार्य की भी आदत हो जाती है, सामूहिक के साथ साथ व्यक्तिगत यानी कि खुद का काम करने की आदत, इंडिविजुअल वर्क करने के सिद्धांत के ऊपर सिद्धांत है। क्योंकि नकल नहीं कर सकते, कोई भी असाइनमेंट मिला तो आपको अपनी क्रिएटिविटी से करना पड़ेगा। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, डाल्टन विधि में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से सारी चीजें हों, क्योंकि पूरी की पूरी विधि ही इस चीज के ऊपर बेस्ड है। आत्म अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिसीजन या डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि बच्चे को खुद अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि मैं ठीक जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। एक महीना बच्चे को मासिक कार्य दिया, बच्चे ने 20 दिन कुछ नहीं किया, फिर 10 दिन बच्चे रह गए, तो उसने देखा कि यार गुरुजी को दिखाना पड़ेगा, लास्ट के 10 दिन में कर लेता हूं। तो वो 10 दिन में क्यों कर पाया? क्योंकि आत्म अनुशासन का सिद्धांत है इस विधि में, बच्चा खुद सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है। ये डाल्टन विधि थी, इसको ठेका विधि भी कहा जाता है। मंथली इसके अंदर असाइनमेंट दिए जाते हैं, एक साल की पूरी योजना बनाकर। इसके लाभ और इसके गुण सब कुछ आप इस पूरी डिटेल के अंदर समझ गए होंगे, इन सारी चीजों को समझने के बाद। अब आपको डाल्टन विधि क्या समझाई जाती है? एक महीने में काम दे दिया जाता है, उसके गुण देख लो, उसके दोष देख लो, ये पिछड़े हुए बच्चों के लिए होती है ये वो ये वो, ऐसे स्टूडेंट से वॉच टाइम खींचा जा सकता है। लेकिन एग्जाम सेंट्रिक चीजें वो नहीं है, डीप उतरना पड़ता है आपको, ठीक है दोस्तों। अब आपने एक चीज देखी होगी कि 13 मिनट के अंदर इतने सारी चीजें, इतना डीप जाकर मैं पढ़ा चुका हूं, लोगों को दो दो घंटे लेते हुए देखा है मैंने। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। क्वालिटी की चीजें एग्जाम बेस्ड जब आप पढ़ोगे तो इतना ही टाइम लगता है, दो दो तीन तीन घंटे की क्लास, बस अपना व्यूज बढ़ाने के लिए होता है, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। इतनी ज्यादा लंबी खींचने की जरूरत नहीं, अगर आप कट टू कट अगर आप अच्छे से समझा सकते हो। बाकी दोस्त हमने कितने चैप्टर कर लिए? 26 चैप्टर कर लिए। पार्ट ए काफी जल्दी शुरू करने वाला हूं, तो साइकोलॉजी की भी जो है पहला चैप्टर काफी जल्दी आएगा, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते जरूर रहना है, और आग की तरह फैला दो इस वीडियो को, लाइक शेयर होनी चाहिए यार।